फूड में कितना टच है इनका, खाने के बाद ही पता चलेगा। आज दिन में तीसरी बार हम खा रहे हैं वड़ा पाव। यहाँ पर वेटिंग रहती है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। विले पार्ले ईस्ट में राम फ्रेंकी पर हम हैं और फ्रेंकी का लुफ्त उठा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कॉलेज क्राउड बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पर बहुत सारे फूड जॉइंट हैं, लेकिन इस फ्रेंकी की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसको खाते हैं। मे भी इनका मसाला कुछ ऐसा रहता हो या कुछ स्पेशलिटी हो इनकी, मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि लोग यहाँ पर खा रहे थे 15-20 लोग, तो मुझे लगा कि ये खाने चाहिए गुरु। तो करते हैं शुरू फ्रेंकी खाना। भाई उसमें इन्होंने शेप भी डाले हैं, तो कुरकुरे का जो एहसास है ना, क्रंचीनेस का, वो भी आ रहा है, डिफरेंट है। लेकिन कमजोर दांत वाले ना खाएं, दांत बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि क्रंचीनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। फुल फुल राम फ्रेंकी पे, अगर आप विले पार्ले ईस्ट में हैं और फ्रेंकी खाने का मन है, तो ये पीछे जो फ्रेंकी वाला है, राम फ्रेंकी, यहाँ पर आके फ्रेंकी जरूर खाएं भाई, मजा आ गया। चलिए चलते हैं कहीं और। तो विले पार्ले ईस्ट में हम हैं, फाइन टच फास्ट फूड। फूड में कितना टच है इनका, कितना ऑथेंटिक है, कितना स्वादिष्ट है, वो तो देखने के बाद और खाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे यहाँ से सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, नज़ारे दिख रहे हैं, कॉलेज क्राउड यहाँ पर फुल रहता है। तो मतलब भाई को मैंने ऑर्डर दे दिया है और मतलब कुछ तो मज़ा आने वाला है। और मेरा मन है यार शोरमा का, चिकन शोरमा भी बनेगा बढ़िया, और खाएंगे और खिलाएंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलिए चल के खाते हैं शोरमा, चलो। फाइन टच फास्ट फूड पे मैंने ये बनवाया है चिकन शोरमा, और ईस्ट में ये काफ़ी फेमस है। और इनका मतलब इनका जो साइज़ रहता है शोरमा का, एक शोरमा में ये दो शोरमा बना कर देते हैं, मतलब क्वांटिटी जो रहती है दो शोरमा की, एक शोरमा में के अंदर रहती है। और इनका ड्रेसिंग का बहुत ही बढ़िया तरीका है, मतलब मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। और इनकी जो जो डिज़ाइनिंग है, जो ड्रेसिंग है, वो भी बहुत कड़क है, मतलब आप देखेंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। टेस्ट करके बता कैसा है। तो भाई देखने में तो ये मुझे बहुत बढ़िया, लाजवाब, लजीज लग रहा है, मज़ा आ रहा है, स्वादिष्ट बढ़ा है इन्होंने, मेयोनीज इसमें डाली है और एक और चटनी जो जनरली डालते हैं मेरे ख्याल से सेजवान है या कुछ तो और है, वो भी डाली, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप अगर ईस्ट में हैं तो ये जरूर ट्राई करें। तो अब चल के देखते हैं, मैंने यार बहुत कुछ खा लिया, फ्रेंकी खा लिया, ये भी खा लिया, क्यों भाई अब चला जाए, चलूं मैं, तो चलते हैं और देखते हैं कि ममता क्या कर रही है। चलिए नमस्कार, आज दिन में तीसरी बार हम खा रहे हैं वड़ा पाव, एंड क्योंकि आप अगर मुंबईकर हो तो यू आर नेवर डन विद वड़ा पाव। और ये जगह खासकर बहुत फेमस है, ये हमारी आइटनरी में सुबह से थी, हमको मिल गई है फाइनली, तो हम लोग आज दिन का आखिरी वड़ा पाव खाएंगे। लेट्स गो एंड सी इफ इट्स वर्थ द नेम।
वड़ा पाव में भरपूर चटनी डाली गई है। दिखने में तो नॉर्मल वड़ा पाव जैसा ही दिख रहा है। हरी और लाल चटनी डाली गई है और थोड़ा बहुत वो पाउडर होता है। तो चलिए वड़ा पाव खाते हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा वड़ा पाव है, स्पाइसी है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो, वड़ा पाव बहुत अच्छा है बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत नया है इसमें। तो आलू ही होते हैं उसमें, और क्या डाला जाएगा। हाँ मतलब कुछ जगह के मैंने वड़ा पाव खाए हैं जो एक्चुअली बहुत ही अलग होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। बट ठीक है, आई एंजॉय माय वड़ा पाव। प्लीज गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू और फॉलो अस। आज हम दिल्ली पार्ले में हैं और सुबह से हम बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है, अब ऐसे लग रहा था कि कुछ यार मीठे की क्रेविंग थी, थोड़ा लग रहा था कि कुछ मीठे में हो जाए। तो हमें एक जगह पता चली आइसक्रीम वर्क्स करके, और इसके लिए हम 1 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं। और ये जैसा हमने देखा था वैसे ही बर्फ़ जगह है, और इसमें मैंने 2 आइसक्रीम मिक्स कराए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, दिल्ली पार्ले ईस्ट में घूम रहे हैं, तो ये जगह वर्थफुल है, आप आएं और इसका लुफ्त उठाएं। वाओ, लाजवाब। चुके हैं दिन की आखिरी फूड स्टेशन पे। जिमी कहीं पे आइसक्रीम खा रहा था तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ आज इनोवेटिव करना चाहिए, क्योंकि सुबह से सिर्फ वड़ा पाव खा रही हूँ मैं। तो मैं इधर पे आई हूँ, बाहर से अभी तक मैंने देखा है वैफल्स हैं। आई एम थिंकिंग आई हैव समथिंग लाइक कुकीज और इवन पैनकेक्स और वैफल्स, आई डोंट नो। अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। मतलब इतना भारी खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं अंदर जाती हूँ, आप लोग मेरे साथ आइए एंड लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। यहाँ पे ये ट्विस्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे आई थी कुछ मीठा खाने के लिए और मैंने ऑर्डर किया है सम वॉफल्स, चॉकलेट वॉफल्स एंड पैनकेक। ये तो मैं सब हो गया। अच्छा है, काफ़ी मीठा है। तो अब खाते हैं वॉफल्स। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इसमें इतना सारा चॉकलेट है, तो शायद ऐसे ही खाते हैं। यार मजे आने चाहिए, पेट में जाना चाहिए, कैसे भी खाओ। Amazing, amazing, very good. So this is the thing that I have ordered, or I was super excited about it. I'm too. नहीं, जिमी इज नॉट गोना ईट इट। उसने पहले ही ऑलरेडी मुझे बता दिया कि वो नहीं खाना चाहता, वो शायद वॉफल्स ही खाएगा अभी भी। बट मैं बहुत दिनों बाद ये खा रही हूँ। और ट्राई किया जुहू चौपाटी पे, मैंने ट्राई किया है ये, और काफी सारी वैरायटी में आता है। मैंने आईजी पेरी पेरी ट्राई किया था। मुझे इसके ऊपर चीज पसंद नहीं है, मैं एकदम प्लेन खाती हूँ। इसमें शायद चाट मसाला या नमक या समथिंग है। तो जैसे मैश की, हाँ ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत कड़क होता, फ्राइड होता है। फ्राइड पता नहीं क्या फ्राई किया है, बट ये कच्चा सा लग रहा है, मजा नहीं आया।
मुझे अच्छा लगा। आई लाइक इट बट ही इज राइट, ये क्रंची होता है पर इन लोगों ने सॉफ्ट बनाया और कच्चा भी है थोड़ा बहुत। आई थिंक आज के लिए खत्म है, दिस वॉज आवर लास्ट। भाई साहब विल्ले पार्ले में पार्ले जी हमको नहीं मिला, हमको मिला है WTC पास्ता। तो हम खाएंगे पास्ता, और पास्ता मिलता है यहाँ बेहतरीन वाला। तो हम रेड मेयो में नो रेड सॉस में नहीं, हम व्हाइट सॉस में खाएंगे। और पास्ता के साथ यहाँ पर सोडा भी मिलता है, सोडा पब। तो मैंने एक सोच रहा हूँ ब्लूबेरी या कोक कुछ वो होगा एक, और उसके साथ मैं एक मसाला पापड़ खाना चाहूँगा क्योंकि मसाला पापड़ यहाँ पर बड़ा फेमस है। तो लेट्स सी, WC पास्ता नाम बड़ा सुना है, चलिए चलते हैं और खाते हैं। मेरी टेबल सज चुकी है, आइए। मैंने ये पापड़ लगवाया खींचला, वो खींचा कुछ बोलते हैं इसको यहाँ पर, खिंचिया पापड़ बोलते हैं, और राजस्थान का है ये बेसिकली, और यहाँ पर बहुत फेमस है मुंबई में। तो जहाँ पर मैं जाता हूँ तो ये थोड़ा खा लेता हूँ, मज़ा आता है। हमारे गांव में इसको खिंचिया की जगह खींचला बोलते हैं, जगह जगह पे जैसे जगह चेंज होती है, भाषा चेंज होती है, पानी चेंज होता है, उसी तरह चीजों के नाम भी बदल जाते हैं थोड़े थोड़े। तो बहुत ही मजा आ रहा है खिचिया में, और मैं पास्ता लवर इतना हूं नहीं, ममता जी इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको बता पाएंगी। अगर मैं कहूंगा सुबह से मैंने इतना सारा खाया है, बट इसका टेस्ट बड़ा अमेजिंग है। I've ordered a white sauce pasta because आज काफ़ी मसाले की चीज़ हो गई है और कुछ सफ़ेद खाने का मन कर रहा है। तो ये है मैकरोनी पिज़्ज़ा, मैं सुबह से खा के फुल्ली फील कर रही थी, बट आई थिंक आई विल डेफिनेटली हैव दिस। ऑल्सो आई हैव ऑर्डर्ड ब्लूबेरी सोडा, अगेन नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ सोडा, बट ऑफकोर्स जिमी वॉज हैविंग सोडा तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपने लिए ऑर्डर करूं। ग्रेट, गुड, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट आपको एपिसोड में मिलते हैं हम लोग विद डिफरेंट प्लेस विद डिफरेंट फूड। एज ऑफ राइट नाउ विल टेक एन ऑफ। थैंक यू सो मच।